तो प्लीज दोस्तों, मैं आप लोग से बता देना चाहती हूँ, मैं बहुत ही मेहनत करके फेसबुक पे वीडियो बनाती थी, लोगों से देखा नहीं गया, हमारे अपने ही लोग हमारा फेसबुक हैक कर लिए हैं। वैसे मैं नाम तो नहीं रखूंगी कि जाने दो, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, फिर भी आप लोग अगर फेसबुक पे हमारा वीडियो देखते हैं तो आप लोग रिपोर्ट मारिए। और हाँ, जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, रंजना यादव 555 मेरा यूट्यूब चैनल है, और एक चैनल और है रंजना यादव जौनपुरिया, तो आप लोग यूट्यूब पे हमको सपोर्ट करिए और यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देखें। फेसबुक तो हैक हो गया, बहुत ही मेहनत करके बनाए थे। और आगे क्या जी पूछना? देखिए, फेसबुक जो आपका हैक हो गया है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से फेसबुक बनाइए। जो लोग गलत किया है ऐसा गलती ना करिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है रंजना जी, ऐसा आप लोग ना कीजिए। और जो रंजना यादव जनपुरिया चैनल है, मैं चाहूंगा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आप लोग दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप काफी तेजी से सुन रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ एक्टिंग और मेलोडी की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, और जो है कि ढेर सारे लोग जो है कि हमको बुला के करवाए हैं, और वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस भी किया है, मिलियन मिलियन व्यूज पहुँचे हैं, मैंने एल्बम किया है। हाँ, मेरा एक सॉन्ग हुआ है, जो भी दर्शक लोग देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं, सुपर हिट क्विट बाबू, आप लोग सर्च करेंगे सुपर हिट क्विट बाबू के साथ में रंजना यादव का डांस तो आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा गाना है, काफी अच्छा उस पर रिजल्ट भी आया है। तो क्या चैनल का नाम बता सकती हैं, उस चैनल का नाम? बस बता रही, सुपर हिट भोजपुरी जी क्यूट दे, बाबू। जी देखिए, रंजना यादव का एक गाना है जो कि बहुत अच्छे से मेहनत से गाए हुई हैं। उस गाना को आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस गाने से और अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अब आगे चल के सिंगर भी बनने का प्रयास करें रंजना जी। तो रंजना जी से हम कहना चाहेंगे कि आप कल करवा चौथ का व्रत थी, तो क्या किसके लिए व्रत थी आप बता सकती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी हाँ बिल्कुल, हम बता सकते हैं। लोग बोलते हैं करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखा जाता है, भगवान उनकी लंबी उम्र देते हैं। मैंने भी व्रत रखा था, पर मेरे पति तो है नहीं, इसलिए मैंने पति के लिए नहीं रखा था। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मैंने उनके लिए रखा था कि ताकि मेरी माँ ठीक हो जाए और स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, पर इसलिए मैंने व्रत रखा था। और क्योंकि हम बता तो सकते नहीं थे वीडियो में साफ साफ कि हम इसलिए व्रत रखे हैं, अब आप लोग पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। जी वकील, मैं तो सुना हूँ कि व्रत जो करवा चौथ का होता है पतियों के लिए रखा जाता है, आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि माता के लिए व्रत रखा जाता है करवा चौथ, क्या यह जी सही बात है कि गलत? नहीं, लोगों को भले गलत लगे पर मेरे लिए तो मुझे सही ही लगा, इसीलिए हमने करवा चौथ व्रत रखा। जी ये दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है, और हम किन्नर समाज से हैं, इसीलिए हमारे हस्बैंड नहीं हैं, तो किन्नर समाज के लोग अपने हस्बैंड के रूप में या अपने गुरु को देखते हैं या फिर अपनी माँ को देखते जी हैं, जी तो उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाते हैं। तो मैं भी कभी कभी अपने माँ के नाम का सिंदूर लगा लेती हूँ। नहीं जी, देखिए रंजन यादव जी का कहना है कि मैं करवा चौथ का व्रत इसलिए व्रत था कि मेरी माँ बीमार हो गई थी और मैं अपनी माँ को सही हो जाने के लिए मैं व्रत रखा था। तो आप लोग देखिए, गलत मत सोचिए, और उन्होंने बता दिया अपने मुंह से कि मेरा पति तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं किन्नर हूँ और पति मेरा कोई बन नहीं सकता। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग देखिए, अपने माता जी के व्रत इसीलिए रखी थी कि उनका जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए, इनके परिवार की खुशियां आए। और एक बात और कहना चाहेंगे हम आप लोगों से कि दर्शक को बताइए आप कि आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या पहले करती थी आप? इस इंडस्ट्री में आने से पहले हम करते थे गोबर उठाते थे, जी जंगल से जाके गोबर बीन के लाते थे, लकड़ियाँ काट के लाते थे। अब तो गैस का जमाना चला है, उस समय चूल्हे पे खाना बनता था। और जो है कि खेतों में इधर उधर गेहूं कटता है तो बाल वगैरह छीटा रहता है, उसको बीन के लाते थे। दूसरे के खेतों में जाके आलू बोड़ते थे, आलू का मेड़ी चढ़ाते थे, उसका दिन भर में 50 रुपया मिलता था। काफ़ी स्ट्रगल किया, मेहनत ज़्यादा पैसे कम मिलते थे उस समय, 50 रुपया मिलता था। तो देखिए, हम पूछना चाहेंगे कि आप इसमें रामलीला का माहौल चल रहा है, लोग जी रामलीला करवा रहे हैं, जगह जगह पर रामलीला हो रहा है, तो क्या आप प्रोग्राम कर रही हैं, तो क्या आपका प्रोग्राम में कितना पेमेंट आप लेती हैं? जी पेमेंट तो नहीं बता सकती हूँ मैं, जी क्योंकि देखिए यहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम करने आई हूँ, यहाँ मेरा रिश्ता है, तो
जी और इसीलिए यहाँ पैसे का कोई मोल भाव करके नहीं आई हूँ, फिर भी मुझे 10,000 रुपया दे देते हैं। जी हम समझ रहे हैं, देखिए हम समझ रहे हैं कि इनका सोशल मीडिया पे वायरल होने की वजह से और लोग इनको प्यार देते हैं, पैसा को डिमांड नहीं करती हैं रंजना जी, और लोग उनको प्यार आशीर्वाद समझ के जो समझ के दे देते हैं वो समझ के ले लेती हैं खुशियां समझ के। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए रंजना रंजना जयपुरिया चैनल को। तो हाँ दोस्तों, जो भी लोग हमसे प्रोग्राम करवाना चाहते हैं या फिर कार्यक्रम करवाना चाहते हैं और या जैसे छठी बरही में डांस वगैरह होता है ना, पार्टी शो जो भी करवाना चाहते हैं, हमारा एक छोटा सा चैनल है रंजना यादव जौनपुरिया, उस पर आप लोग एक कमेंट करेंगे तो हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक। हाँ, और कमेंट करने से पहले ये ध्यान देना कि उस वीडियो में ज़्यादा कमेंट नहीं होने पाए, जिससे हम डेली का डेली वीडियो डालते हैं ना, तो जो मेरा न्यू वीडियो रहे उसमें कमेंट करेंगे तो हम जवाब दे पाएंगे, क्योंकि पहले के वीडियो में जो है ढेर सारे कमेंट होते हैं तो मुझे खोजने में दिक्कत होता है। जो मेरा न्यू वीडियो पढ़ता रहता है उस पर कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत जवाब दे लूँगी, ठीक। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी करवाना हो, काफ़ी अच्छा खासा डांस वगैरह भी करते हैं, आप लोग हमारे डांस भी देख लेना चैनल में हमारे, और तब प्रोग्राम करवाना, ज़्यादा पैसा भी नहीं लेती। देखिए बता रही हैं रंजना जी कि मैं पैसा तो नहीं मांगता हूँ, जो हमको मान सम्मान इज्जत से बुलाए, नहीं मांगती हूँ, मांगती हूँ जो मुझे मान सम्मान से बुलाएंगे मैं उनके यहाँ दरवाजे पर पहुँच जाऊँगा, जो भी मेरा कलाकारी जाऊँगा नहीं पहुँच जाऊँगी वही, ठीक है। मैं देखिए मेरे अंदर बार बार वही बातें आ रहा है, मैं सॉरी चाहता हूँ कि लोगों को बीच में प्यार आशीर्वाद देती हैं और देना चाहती हैं, और अच्छी बात है कि आप प्रोग्राम करती हैं, लोगों को प्रोग्राम करने की मौका दीजिए और लोग आपको बुलाए रंजना यादव जयपुरी चैनल को, ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए आप। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इनके चैनल को प्यारा आशीर्वाद देंगे तो अच्छा वीडियो मिलता रहेगा देखने के लिए। जय हिंद जय हिंद।